वाह माशाई इन भावलपुरफोर ये जो इतनी जबरदस्त किस्म की डिश तैयार हो रही है इसका नाम है मंदी माधोजाज मीनस मंदी विद चिकन चिकन और उसके अलावा राइस का इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने भावलपुर में आज तक इससे पहले कभी नहीं देख हेलो पीपल असलम आई होप यू लव फाइन आज भावलपुर में अरेबिक किचन में हम मौजूद हैं जो कि एक ब्रैंड न्यू होटल है ये एक होटल है मदीना मुनवरा सऊदी अरब में उसकी सेकंड ब्रांच यहाँ पे भावपुर में बनाई गई है एंड लुक एट द इंटीरियर एंड डिजाइनिंग एंड वर्क दिस लुक सो अमेजिंग ये बहुत खूबसूरत जगह है और बड़ी जबरदस्त किस्म की वाइब्स आ रही है यहाँ पर आकर यहाँ पे अंदर आते ही ऊद की भी खुशबू आ रही है उसके अलावा अरब म्यूजिक भी चल रहा है और जो यहाँ पर वेटर्स हैं जो सर्वर हैं प्रेजेंटर्स हैं ये लोग भी ज़्यादातर सऊदी अरब से ही आए हुए हैं सो दे आर मोस्टली पीपल ऑफ कोर्स दे नो उर्दू एज़ वेल एज दे देर पाकिस्तान द फूड पार्ट ये चिकन मंदी तैयार हो रही है खड्डे के अंदर ये बनाई जाती है चिकन विद राइस ये बेसिकली यमनी डिश है जो कि पूरे अरब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये सऊदी अरब में और दुबई में भी और हर जगह बहुत ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादातर लोग इसको शादियों पर भी सर्व करते हैं और मोस्टली दावतों पर मंदी ही बनाई जाती है विद चिकन और विद मटन और विद बीफ और विद कैमल दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर चॉइस सबसे पहले ये बड़े सारे थाल के अंदर राइस की एक लेयर बनाई जाती है बाय द वे दीज राइस आर नॉट लाइक बिरयानी और लाइक पुलाव ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का अरब राइस होता है इसका ज़ायका इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम बिरयानी और पुलाव तो उसके बाद ये जो चिकन पीसीस हैं ये इसके ऊपर डाले जाते हैं चार पाँच छः डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल यू आर सर्विंग दिस डिश फिर उसके बाद इसमें हरी मिर्च और इसके अलावा प्याज और लेमन कुछ वेजिटेबल्स डाली जाती हैं और इसके बाद ये जो चिकन मंदी है देश तैयार हो चुकी है बाय द बायदेवी यहाँ अरबिक किचन में ऊपर हॉल में एक जगह मौजूद है जहां पर आप जिसको रिजर्व कर सकते हैं टेबल्स के अलावा भी आप नीचे कारपेट पे सुफरा बिछा कर उसके ऊपर बैठ सकते हैं और बैठ कर अपना जो चिकन मंदी है वो एंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अरब स्टाइल के अंदर बाय द वे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये ऑफिस है वाई एम आर का यासिर साहब का एक ऑफिस है इसके अंदर हम बैठ के ये डिश ट्राई कर रहे हैं सो दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल दिस इज ऑनली अवेलेबल फॉर द गेस्ट लेकिन इसके साथ एक इसी तरह का सेम रूम मौजूद है जिसको आप बुक

बिकॉज आईव ईटन इट सो मैनी टाइम्स ओवर देयर और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाकई बिल्कुल ऑथेंटिक मंदी है एंड आई वुड लाइक टू रेट इट एज नाइन पॉइंट फाइव आउट ऑफ नाउ वी आर अबाउट टू ट्राई इजिप्शियन स्वीट डिश जिसका नाम है बसबूसा शारिया बसबूसा बेसिकली केक की फॉर्म में भी होती है लेकिन ये भले जो यहाँ पर जो अवेलेबल है अभी फिलहाल जो हमने मंगवाई है यह बसबूसा शारिया हैरबिक स्वीट डिश और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाजवाब है और कमाल है इसका जयका बहुत ज़बरदस्त है और वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक काइंडस्ट और मुझे उम्मीद है अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और तो उसके बाद बारी है मेरे फेवरेट ऑथेंटिक अरब शौरमा की और ये उसके साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं ये आर्टिस्ट इस वजह से हैं क्योंकि इनको शौरमा बनाने का जो आर्ट है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आता है इज़ आल्सो फ्राम सऊदी अरेबिया इन्होंने तकरीबन सात आठ साल वहाँ पर शौरमा बनाया है और आप ये भावुलपुर में आ चुके हैं यहाँ पर जो मेन शेफ़ हैं वो भी सऊदी अरबिया के हैं और नाइन्टी परसेंट ऑफ स्टाफ इज़ फ्राम सऊदी अरबिया उसके अलावा ये सेपरेट आप रूम भी बुक करा सकते हैं फॉर योर बर्थडेज़ यहाँ पर बड़ी खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग की गई है द न्य वर्क इज़ वेरी गुड एज वेल और वी एफ का द शेक एज वेल शेक्स मतबक और शारमा के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एंड द लोकेशन इज़ रफ़ी कमर रोड के ऊपर अरेबिक किचन एंड ये ऑथेंटिक सऊदी अरब से भाई ने अपनी सेकेंड ब्रांच यहाँ पर बनाई है फर्स्ट ब्रांच इनकी सऊदी अरब मदीना मरवरा में ही है दिस इज़ द सेकेंड ब्रांच